चिकन की कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 8 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। कीमत 237 रुपए से बढ़कर 241 रुपए फी किलो हो गई है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा नदीम बलोच से, जो कि इस वक्त मौजूद है गड़ी शाहू में। जी नदीम बलोच, बताइएगा चिकन की कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गड़ी शाहू मार्केट में मौजूद हूं, और अगर यहां पर आज चिकन की कीमत के हवाले से बात की जाए तो चिकन की कीमत को एक बार फिर से जो है वो पर लग चुके हैं, क्योंकि चिकन की कीमत में जो है वो 8 रुपये इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है जो ख़रीदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि आज की कीमत जो है वो अगर चिकन की ब्रॉयलर गोश्त की कीमत की बात की जाए तो आज जो है वो 241 रुपये फ़ी किलो, जबकि ज़िंदा ब्रॉयलर की बात की जाए तो वो 166 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। तो मेरे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आवाम का इस पर क्या कहना है। ये बात ऐसी है कि गरीब बंदा देखिए किस तरह गोश्त खाएगा, 241 रुपये रेट उन्होंने कर दिया हुआ है। हम लोग कहते हैं कि कम अज़ कम 130 होना चाहिए, ठीक है, इतनी उन्होंने महंगाई कर छड़ी है, तो क्या गरीब बंदा खाएगा। भाईजान आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। 8 रुपये रेट बढ़ गया है और बेतुका रेट जो है ना वो बढ़ा है। जब रेट बढ़ता है तो फिर कस्टमर की कमी की वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। जब सस्ता होता है तो फिर कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो फिर हमारी जो है ना वो दुकानदारी तेज़ होगी। जी बिल्कुल, दुकानदारों को भी जो है वो बढ़ती कीमत की वजह से नुकसान ही देखने में आ रहा है, ख़रीदार भी परेशान है। यानी कि इन सब की जानिब से यही कहना है कि इस पर हुकूमत को संजीदा होकर सोचना चाहिए, अगर चिकन की कीमत जो है वो कंट्रोल नहीं होती तो इस पर कोई ना कोई रिलीफ देना चाहिए।